देखिए आप जैसे विद्वानों ने कहा है, और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप जैसे विद्वानों ने कहा है कि आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, बाकी सब संभाली थे, और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ। ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने अपने कानों द्वारा नहीं सुना है। कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, लेकिन कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात उस समय की है, एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी की घाट पर जल लेने की जाती है। आहा सजनों, रानी द्रौपदी ने गंगा जी की घाट पर एक दृश्य देखा, एक नजारा देखा। भैया जी कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, जाने गावर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मल्हार कामनी दा गंगा तट पे। सो देखो दृश्य किनारे जाए की, देखो दृश्य किनारे जाए की, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया को प्राण बचावे। रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर देखा कि एक व्यक्ति चिता बनाकर के बैठा है, उस चिता में अपने प्राणों को देना चाहता है। जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी ने अपने भैया का सोता क्या कैसे, ममता क्या होती है, बाजू लगाई क्या जाने।
जैसे ही गंगा जी घाट पर उस व्यक्ति को देखा, रानी द्रौपदी वहीं पहुंच गई, जाकर के कहा कि पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की आनिए, कि कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। आज रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही जो चिता में बैठा हुआ है, भैया आकाश, कहा क्या, और कहा, और जो मंच पे बैठे गए तुम रुपया ना देने था, कॉपी में तो पब्लिक के आ रहे हैं, अच्छा इन्हें दे दिए पहले, ठीक है, मैं समझी फ्री में बजाने जाने जो ही सुनने, भैया कहा चिता में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, देवी
आप मेरी मदद करोगी? नहीं कर सकती। देखिए क्या कह रहा है वो व्यक्ति, भैया कैसे लंबी गर्दन।